स्टोरी देखते हैं, क्लेवर कैप सेलर चतुर टोपी विक्रेता। स्टोरी का नाम है अ क्लेवर कैप सेलर। एक चतुर टोपी बेचने वाला जो एक क्लेवर था, चतुर था। वंस देयर वाज ए कैप सेलर। एक बार एक टोपी बेचने वाला था। वंस देयर वाज ए कैप सेलर। ही वेंट, वह जाता, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव गांव जाता, टू सेल हिज कैप, अपनी टोपियां बेचने के लिए। वह अपनी टोपियां बेचने के लिए गांव गांव जाता। वन डे, एक दिन, ही गॉट टायर्ड, एक दिन वह क्या हो गया, थक गया। फर्स्ट लाइन लिख दी हमने, वंस देयर वाज ए कैप सेलर, एक बार एक टोपी बेचने वाला था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वह गांव दर गांव जाता, टू सेल हिज कैप्स, अपनी टोपियां बेचने के लिए। वन डे ही गॉट टायर्ड, एक दिन वह थक गया। ही स्लेप्ट, वह सो गया, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे सो गया। पुटिंग बैग, अपना बैग रखकर, बिसाइड हिम, उस अपनी तरफ, अपने पास अपना बैग रखकर, वी स्लैप अंडर ए ट्री, पुटिंग बैग बिसाइड हिम, अपने पास वो बैग नीचे रखकर, वही पेड़ के नीचे क्या हो गया, थक सो गया, क्योंकि वह थक चुका था। देर वाज सम मंकी, वहाँ कुछ बंदर थे। देर वाज सम मंकी ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर कुछ बंदर थे। देर वाज सम मंकी ऑन द ट्री, दे केम डाउन, वे नीचे आए, बंदर जो थे नीचे आए। दे केम डाउन एंड टुक द कैप्स अवे, एंड टुक द कैप्स अवे। छह लाइनें लिखी हमने पहले, क्या अर्थ है। क्लेवर मने चतुर चालाक, कैप सेलर मने टोपी बेचने वाला विक्रेता। पहले लिखा वंस देयर वाज ए कैप सेलर, एक बार एक टोपी बेचने वाला था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वह गांव दर गांव जाता, टू सेल मने बेचने, हिज कैप्स अपनी टोपियां बेचने, गांव गांव जाता। वन डे ही गॉट टायर्ड, एक दिन वह बहुत ज़्यादा क्या हो गया, थक गया, टायर्ड मने थकना। ही स्लेप्ट अंडर ए ट्री, वह सो गया पेड़ के नीचे। पुटिंग बैग बिसाइड हिम, अपना बैग क्या रख लिया उसने, अपनी तरफ रखकर सो गया पेड़ के नीचे। देर वर सम मंकीज, प्लूरल है मंकीज इसलिए वर आ गया। देर वर सम मंकीज ऑन द ट्री, और जो उस पेड़ के नीचे सोया था उस पेड़ पर कुछ बंदर थे। देर वर सम मंकी ऑन द ट्री, दे केम डाउन एंड टुक हिज कैप अवे, वे नीचे आए, उसकी टोपियां लेकर चले गए। ईसा, उसने देखा, टोपी बेचने वाला था, दैट द कैप्स, तो टोपियाँ थी, वर विद द मंकीज, तो टोपियाँ थी अब बंदरों के पास थी।
He saw that the caps were with the monkeys. He thought of a plan. उसने एक योजना सोची. इसने टोपी बेचने वाले कैप सेलर ने एक योजना सोची. He threw his cap. उसने अपनी टोपी फेंकी. On the ground. He threw his caps on the ground. उसने मैदान में अपनी टोपी फेंकी. उसने मैदान में अपनी टोपी फेंकी. The monkey did the same. बंदरों ने भी ऐसा ही किया. The monkey did the same. मतलब did the same का मतलब हो गया जैसे उसने टोपी फेंकी ग्राउंड में, बंदरों ने ही ऐसा किया. He collected मैंने इकट्ठे करना. The caps. उसने अपनी टोपियाँ इकट्ठी की. And went away. और चला गया. और चला गया. His way happily. अपने रास्ते खुशी से. तो ये स्टोरी हो गई एक क्लेवर कैप सेलर. पढ़ के बता देता हूँ मीनिंग. वंस देर वाज ए कैप सेलर. एक बार एक टोपी बेचने वाला था. ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप. वह गांव दर गांव अपनी टोपियाँ बेचने जाता. वन डे ही गॉट टायर्ड. एक दिन वह थक गया. ही स्लेप्ट अंडर ए ट्री. सो गया पेड़ के नीचे. पुटिंग बैग बिसाइड हिम. और अपनी तरफ उसने वो बैग रख लिया टोपियों का. देर वर सम मंकी ऑन द ट्री. पेड़ पर कुछ बंदर थे. दे केम डाउन एंड टुक द कैप अवे. वे नीचे आए और वो लेकर चले गए. टुक मैंने ले जाना. कैप्स अवे. सारी टोपियाँ ले गए. ही सॉ दैट द कैप्स वर विद द मंकीज. जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी टोपियाँ बंदरों के पास थी. ही थॉट ऑफ ए प्लान. THOUGHT. शॉर्ट मैंने सोचना. ही थॉट ऑफ ए प्लान. उसने एक योजना सोची. ही थ्रू थ्रू मैंने होता है फेंकना. ही थ्रू हिज कैप्स ऑन द ग्राउंड. उसने अपनी टोपी मैदान पर फेंकी. तो मंकी डिड द सेम. क्योंकि बंदर नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं. बंदरों ने भी डिड द सेम. बंदरों ने भी ऐसा ही किया. ही कलेक्टेड द कैप्स. उसने टोपियाँ इकट्ठी की. एंड वेंट अवे हिज वे हैप्पीली. और अपने रास्ते पर खुशी से चला गया. इस प्रकार स्टोरी आप आसानी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो. बड़ी आसानी से आप इसको लिखकर, कोई मीनिंग नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं. मैंने सारे मीनिंग का उच्चारण आपको बताया है, अर्थ आपको बताया है कि किस मीनिंग का क्या अर्थ है.